तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 का मिड टर्म का जो साइंस का क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आया हूँ 2018-19 में जो हुआ है, जो कि एससी मार्क्स का आता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी क्वेश्चन पेपर को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। तो चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन पेपर में। तो सबसे पहले आपको ये सेक्शन ए में कुछ एक एक और दो दो मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन ये है, फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि श्वेत क्रांति किस खाद्य पदार्थ से जुड़ी है। ठीक है, तो ये लिखना है। फिर तीसरा, अंतःफसलीकरण से क्या तात्पर्य, इसकी विधि का लाभ बताएं। ठीक है, वो लिखना है आपको, दो मार्क्स का है। फिर चौथा क्वेश्चन, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियाँ झड़ जाती हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है पाँचवा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। ओके, फिर ये है, इसमें से आपको पहचान करनी है। ओके, फिर आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, हृदय पेशी के 3 लक्षण बताएं। आठवां है, मिश्रण तथा यौगिक में कोई दो अंतर बताएं, दोनों के दो दो उदाहरण लिखें। नवा क्वेश्चन है, मिश्रित मछली संवर्धन क्या होता है, इसके क्या लाभ है, ये लिखना है आपको। 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 में है। फिर 11वां कि कोलाइडल के 3 प्रमुख गुणधर्म क्या हैं। फिर ये है, इसमें अथवा है, इन दोनों में से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है दोस्तों आप सभी का। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 का है, ये लिखना है आपको इसके बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, जो कि ओके। फिर आगे आता है क्वेश्चन नंबर 14 की चाल और वेग में अंतर बताना है, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या होता है, माप क्या होता है, मतलब एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, ये लिखना है। फिर है कि त्वरण को परिभाषित करें, इसका ऐसा ही मात्रक लिखें, एक समान त्वरित गति का उदाहरण दें, तो ये ठीक है। तो इस तरह से ये 14वां क्वेश्चन है, 3-3, 3-3, 4-4 मार्क्स के। ठीक है, फिर है हमारा 15वां क्वेश्चन कि अपकेंद्रक क्या है, पृथक्करण कीप क्या है, क्रोमेटोग्राफी क्या है, ये एक एक मार्क्स के तीनों क्वेश्चन, यानी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 16, कारण बताइए कोई दो, इसके आपको कारण बताने हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई, इन चारों में से कोई दो करने हैं और उसके कारण बताने हैं आपको। फिर आते हैं हमारे 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको इसको बताना होगा, फिर इसे लिखना है, फिर इसे लिखना है, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने सिलेबस से कर रखा है तभी आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 ये वाला। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19, जीवों के 5 जगत में वर्गीकरण के आधार की व्याख्या कीजिए, ये लिखना है आपको। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे है कि रंध्र के क्या कार्य हैं, ये भी पहले ये। ठीक है, फिर निम्नलिखित के उत्तकों के नाम लिखिए, इसका लिखना है आपको, इसका, फिर इसका, फिर इसका, इसका और इसका। तो इस तरह से ये हमारा 20वां क्वेश्चन हो गया 5 मार्क्स का। ओके, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए दोस्तों क्या है कि ग्राफ की सहायता से गति की पहली v = u + at को व्युत्पन्न करें। ठीक है, ये लिखना है आपको। अब हमारा आता है सेक्शन बी। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या पूछा गया है, ये आपको दो दो मार्क्स के इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, वीडियो को पॉज करके आपसे पढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए आगे इस यहाँ पर 5-5 मार्क्स के फिर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, दो दो मार्क्स के हैं ये। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन ये है, फिर दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा, पाँचवा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 24वां क्वेश्चन है कि केंचुआ किस फाइलम से संबंध रखता है, इस फाइलम का एक मुख्य गुण लिखें। ठीक है, फिर 26वां क्वेश्चन है, उद्भवपतन क्या होता है, इसे दर्शाने वाले दो पदार्थों के नाम लिखें। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर है। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। तो आई होप कि दोस्तों ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल पाए। तो दोस्तों मिलेंगे नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।